अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए, यानी कि आप तो ट्वेल्थ क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, किस तरीके का डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, उन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कि वे कोर्सेज कितने समय में कम्प्लीट होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या होता है और आप कोर्सेज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 10+2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12th आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, 12th में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें, 12th में आपके मिनिमम 50-60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। एडमिशन के समय आपकी जो उम्र है यानी कि जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष होने ज़रूरी है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकम अ डॉक्टर। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके का डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। अगर आप एक MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MBBS कोर्स करना होगा। MBBS इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप MBBS कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 12th अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा। नीट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नीट इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। नीट के द्वारा आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 2, BDS। अगर आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं यानी दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप BDS कोर्स कर सकते हैं। BDS इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 4 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन और 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक डेंटिस्ट यानी कि दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 10+2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मिनिमम 50-60% मार्क्स होने चाहिए 12th में। उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, यानी कि नीट जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसे क्लियर करने के बाद आपको एक BDS कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और उसमें इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक BDS डॉक्टर बन सकते हैं। नंबर 3, BHMS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वो 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है और ये एक बैचलर डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप होम्योपैथी में करियर बना सकते हैं, एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके पास PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 50-60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और कुछ स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं जिनके द्वारा भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। नंबर 4, BAMS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स होती है, यानी कि जो ये कोर्स है वो 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 ईयर की कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप आयुर्वेदा में करियर बना सकते हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नीट क्लियर करने के बाद आपको एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जहां से आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। नंबर 5, BUMS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं।
इस कोर्स को करने के लिए आपको ट्वेल्थ कंप्लीट करना होगा। ट्वेल्थ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नीट क्लियर करने के बाद आप एक BUMS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक यूनानी डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। नंबर 6 BVSC कोर्स। अगर आप एक वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं यानी कि पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं, जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप BVSC कोर्स कर सकते हैं। BVSC इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन होती है और 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं पशु चिकित्सक। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 50-60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नीट एग्ज़ाम के अलावा कुछ स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिनके द्वारा भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कई तरीके के कोर्सेज की बात की है। आपको इसमें से जो भी पसंद है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उससे संबंधित कोर्स कर सकते हैं और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपकी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलते हैं राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।